Again on my YouTube channel, today we will discuss about formulation of parental products. जैसे कि आपको पता है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, और आज हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, मतलब उनको बनाते कैसे हैं, फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स की. तो आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. तो सबसे आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, एक बार रिवाइज करते हैं. पेरेंटल प्रोडक्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर इंटेंडेड और एडमिनिस्टर्ड थ्रू द इंजेक्शन. ये मतलब ऐसे केमिकल प्रोडक्ट जो क्या किए जाते हैं, एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं थ्रू द इंजेक्शन के द्वारा. जैसे कि हम क्या करते हैं, इंटेंडेड करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में करते हैं, या किसी टिश्यू में या बॉडी फ्लूड में, तो उनको हम क्या कहते हैं, थ्रू द इंजेक्शन. तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको पेरेंटल प्रोडक्ट कहते हैं. फिर हमने साथ साथ बात की थी टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट. टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट में हमने बात की थी एक्वा सोल्यूशन के बारे में, ऑयली सॉल्यूशन के बारे में, एक्वस सस्पेंशन के बारे में, ऑयली सस्पेंशन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, और इमल्शंस के बारे में, एंड सो ऑन. फिर हमने उसके साथ बात की थी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बात की थी इंट्रावेनस की और इंट्रामस्कुलर की, और उसके साथ साथ हमने बात की थी उनके वॉल्यूम की. जैसे हम क्या करते हैं कि इंट्रावेनस में हम जो वॉल्यूम देते हैं वो कितना देते हैं, 0.5 ml से 1 liter तक देते हैं. और फिर हमने बात की थी इंट्रामस्कुलर में, इंट्रामस्कुलर में जो हम वॉल्यूम देते हैं, दैट इज IM, intramuscular. तो intramuscular में हमने बात की थी जैसे क्या यूजुअली यूज करते हैं, 2 ml इन डेल्टोइड मसल एंड 0.5 ml इन ग्लूटियल मसल. तो इसके बाद हमने बात की थी इंट्राओकुलर की, इंट्रास्पाइनल की, इंट्राकार्डियल की और इंट्रा आर्टरी की. तो ऐसे ही फिर हम बात करेंगे, अब बात करते हैं हम फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट. तो पेरेंटल प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में क्या क्या यूज़ होता है, तो पेरेंटल ऑफ की जो फॉर्मुलेशन होते हैं उनमें यूज़ करते हैं हम व्हीकल्स और एडिटिव्स. तो व्हीकल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 category में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीकल्स होते क्या हैं. व्हीकल आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज अ मीडियम, मतलब क्या, जो ऐसे सब्सटेंस जो मीडियम की तरह यूज़ किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कराते हैं वो ड्रग को, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम व्हीकल्स कहते हैं. तो व्हीकल्स यहाँ पे 3 type के व्हीकल्स होते हैं, दैट इज एक्वस व्हीकल, ऑयली व्हीकल एंड मिक्स्ड व्हीकल. सबसे पहले बात करते हैं एक्वस व्हीकल की. एक्वस व्हीकल क्या होते हैं, एक्वस व्हीकल मतलब जहाँ पर एक्वस वर्ड आता है दैट मींस वाटर. तो जहाँ पर हमारा क्या होगा, जो हमारा व्हीकल होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, वाटर क्या, या वाटर सोल्युबल होगा, या वाटर वाटर से मिक्स होगा, तो उसको कहते हैं हम एक्वस. दैट इज एक्वस मतलब वाटर. तो फॉर एग्जाम्पल स्लाइम सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एक्वस एडिटिव, एक्वस व्हीकल हो सकता है. फिर बात करते हैं ऑयली. ऑयली का मतलब ऑयल, ऑयल सोल्यूबल, मतलब ऑयली जो व्हीकल्स होता है वो उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो हमारा जो मेडिकामेंट होता है या जो ड्रग होता है वो क्या होता है, वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में. तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर ओनली ऑयली व्हीकल्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इंजेक्शन में देखा होगा आपने, डाइमर कैपोल का जो इंजेक्शन आता है उसमें जो हमारा व्हीकल यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, वो बात करते हैं मिक्स्ड की. फिर बात करते हैं मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम की. मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम जो हमारा व्हीकल्स होता है वो ना तो पूरी तरह से क्या होता है, ना तो पूरी तरह से वो ऑयली होता है और ना ही वो क्या होता है, एक्वस होता है. तो उसमें क्या होता है, उसमें दोनों का मिक्सअप होता है, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम. तो मिक्स, अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं एडिटिव्स की. एडिटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव्स में मतलब जो क्या होते हैं, जो अपनी थेरापूटिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, जैसे हम कलरेंट यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, बफर यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, टोनिसिटी मॉडिफायर्स यूज करते हैं, एंसिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं. तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या होते हैं, एडिटिव्स होते हैं. मतलब कि ये क्या, एडिटिव्स मतलब जो ये अपनी थेरेप्यूटिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आइए हम इनको वन बाय वन डिफाइन करते हैं. फर्स्ट इज प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर इनहेबिशन ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ. मतलब क्या कहते हैं, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को ग्रो करने से रोकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं. और बेंजाइल अल्कोहल और मिथाइल पैराबीन, तो इसमें क्या कहते हैं, ये होते हैं प्रिजर्वेटिव. सेकेंड इज बफर. बफर क्या होते हैं, बफर आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर रेजिस्ट टू चेंज इन pH आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस. मतलब क्या होते हैं, ऐसे मतलब केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो रजिस्ट करते हैं pH को चेंज होने में, उनको हम कहते हैं बफर्स. फॉर एग्जांपल एसिटेट बफर, तो इसका एग्जांपल एसिटेट बफर होगा, तो जैसे एसिटेट बफर में इसका जो pH चेंज होगी कितनी होगी, वो 4 to 6 होगी. फिर बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आर दोज
केमिकल सब्सटेंस विच आर इनहेबिट द ऑक्सीडेशन, मतलब क्या गया? इनहेबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को, फॉर एग्जाम्पल मेटा बायोसल्फाइड. नाउ सेकेंड, नाउ थर्ड इज सोल्यूबलाइजिंग एजेंट. सोल्यूबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सोल्यूबलाइजिंग एजेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रॉपिक सोल्यूशन विच इज वाटर इनसोल्युबल और स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. दैट इज कॉल्ड सोल्यूबलाइजिंग एजेंट. एंड दैट इज टोनिसिटी मॉडिफायर. टोनिसिटी मॉडिफायर इज द रिलेटिव कंसेंट्रेशन सोल्यूट, मतलब क्या कि वो कंसेंट्रेशन सोल्यूट की जो क्या होती है, जो डिजोल्व होती है सोल्यूट की, वो कंसेंट्रेशन जो डिजोल्व होती है सोल्यूशन में, और क्या करती है वो डिटरमाइन करती है डायरेक्शन और क्या करते हैं रिलेटिव डिफ्यूजन को बताती है, वो क्या टोनिसिटी मॉडिफायर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेक्सट्रोज 5% सोल्यूशन यूज एज अ टोनिसिटी मॉडिफायर. देन लास्ट इज चिलेटिंग एजेंट. चिलेटिंग एजेंट इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज रिएक्ट विद द मेटल आयन एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेटल आयन, उनको हम क्या कहते हैं, उनको चिलेटिंग एजेंट कहते हैं. चिलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट. तो गाइस इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एरोसोल्स की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू गाइस.